बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम लोगों ने अपना जो टारगेट था वो यहाँ तक अचीव कर लिया था कि हम लोगों ने इसको मॉडल यहाँ तक कर चुके हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अब हम लोग इंशाल्लाह ताला इसका रेंडर निकालने के पोजीशन में हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने एक और ये काम किया था कि मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने अपना बूथ मटेरियल एक कर दिया था इसका, और इसको मैंने एक ही असाइन कर दिया था। एंड आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने जब यहाँ पर अनरैप UVW में आया हूँ और UVW मैप के अंदर आने के बाद ओपन UV एडिटर में मैं आपको ये शो कर सकता हूँ कि ये हम लोगों ने इसको ऑलरेडी एक एटलस के अंदर अनरैप कर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप इसके चेकर मैप देख सकते हैं, आपको इसके इक्वल नज़र आएंगे सारे चेकर मैप क्योंकि ये मैंने राइजन पर ओपन किया है। राइट क्लिक कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर रहा हूँ। अच्छा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास इसकी ग्राउंड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्योंकि ग्राउंड से ही एक ड्राइंग में इसकी जान आएगी जब मुझे इसके एम्बिएंट ओक्लूजन को ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट क्लिक कर रहा हूँ और फिलहाल मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। शायद टर्बो स्मूथ से नहीं हो रहा, ठीक है तो कन्वर्ट टू एडिट पॉली और यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्टैंडर्ड और इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर ग्राउंड। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कार्टून आर्ट कि जब आप कार्टून आर्ट बना रहे होते हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा अब आप कर देंगे हाइट सिलेक्शन, किसी भी एक को पकड़ लेंगे, अटैच कर देंगे और ये आपके पास जितने भी ओपनएबल ऑब्जेक्ट हैं इसको आप कर देंगे अटैच ताकि ये एक ही कंसीडर हो। इसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद आप कर देंगे अनहाइड हॉल। अब एक करेक्टर एक और सेकंड। अच्छा अब आपने सारे को सिलेक्ट करना है और एक अपना टारगेट फोल्डर जो था उसके ऊपर आपने आना है। ये जो आपके पास है एक सेकेंड, मेक श्योर वन ओके। एंड अब हम आ रहे हैं अपने पेंटर में। अच्छा जी, पेंटर में आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ओपन जी एल पे आ गए, इसको हम लोग कर देंगे डायरेक्ट टेक्स्ट पे और डायरेक्ट टेक्स्ट करने के बाद इसे कर देंगे हम ओके। और यहाँ पर हम लोगों के पास मैटर नहीं करता कि कौन सा, लेकिन मैं फ़िलहाल 3-point लाइट सिस्टम ही लगाऊंगा पैनोरामा में। यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम लोग अगेन वही काम करेंगे, आएंगे टेक्सचर सेटिंग में, बेक टेक्सचर मैप इसको हम कर देंगे 2K और इसके बाद हम कर देंगे बेक सिलेक्टेड टेक्सचर। अच्छा अब ये बेक हो चुका है, ठीक है ना। रिटर्न टू पेंटिंग पॉइंट, रिटर्न टू पेंटिंग पॉइंट के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर और वही क्योंकि टून आर्ट है तो इसलिए मैं बेस कलर पे जाऊँगा, ठीक है ना। आई एम स्विचिंग टू बेस कलर। फ़िलहाल मैं सबसे पहले जाऊँगा ग्राउंड पे, ग्राउंड में जाने के बाद यहाँ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये मेरे पास है, ठीक है। और टेक्सचर सेट सेटिंग में हाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेस कलर चाहिए मुझे, बल्कि नहीं, हाँ वो ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा शेडेड ग्रास डाल देंगे, ब्लैक मास्क जनरेटर, और इसके बाद हम लोग कर देंगे एम्बिएंट ओक्लूजन फॉल्स कर देंगे और ये ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा और अब हम लोग अगर टेक्सचर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लाइक दिस ग्रास, ये आपके पास हम्म।
जेनरेटर, और इसके बाद हम लोग कर देंगे इसको टैपरिंग। टैपरिंग से भी आप कर सकते हैं। अब आ जाएं आप यहाँ पर, अब इसे आप भूल जाएं। ठीक है, अब छोटे मटेरियल से शुरू करना आपने, फिर उसके बाद हम बड़े मटेरियल पे आते जाएंगे, ऑटोमेटिक बनता जाएगा।
अब मैच करिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई, 2D व्यू, ऑपरेटर, सिलेक्ट फोल्डर, डेलीगेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रांसपेरेंट, 5 mm एंड एक्सपोर्ट एंड सेव सेटिंग।